दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है। आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। और एक बात, ये नया लोगों के लिए वीडियो है, जिनको थोड़ा बहुत भी जानकारी है ये वीडियो उनके लिए नहीं है। और लोग ये वीडियो को छोड़ के जा सकता है। ये सब नया जो नया नया घुसा है उनके लिए है। और लोग कुछ गलती करता है और गलती नहीं करने के लिए ये वीडियो है। मेरा ज़्यादातर वीडियो वैसा ही होता है, आपका जानकारी देने के लिए मैं बनाता हूँ, किसी का कुछ लॉस ना हो जाए। और थोड़ा बहुत जो काम करता है वो लोग उसमें से माल निकालने का होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो पारा का बारे में है। हम लोग जो पारा का कुछ भी फॉर्मूला करता है तो उसमें हाफ किलो का आग दे दीजिए, बस एक किलो का आग दे दीजिए, छोटा मोटा, बड़ा आग नहीं। छोटा मोटा आग देने से क्या होता है, पारा कभी कभार कायम भी हो जाता है, कभी कभी कायम भी नहीं होता है। तो उसमें दो टाइप का पारा निकलता है आग देने के बाद। तो उसमें एक तो आपका नाइट्रिक पास हो जाएगा और एक आपका नाइट्रिक पास नहीं होता है। तो हम लोग इसमें गलती कहाँ कर देता है, हम लोग सब माल को वो कर देता है, नाइट्रिक में डाल देता है और जो नाइट्रिक पास नहीं है वो भी जाया हो जाता है। तो तरीका को सुनिएगा ध्यान लगा के, तब आपको लॉस नहीं होगा। आप कुछ भी फॉर्मूला करता है, करने के बाद जब मटेरियल को गलाएंगे, गलाने से आपका काला रंग का निकलेगा, जो हमारा सुहागा होता है। सुहागा को गलाने से कैसे कांच कांच का जैसा निकलता है, शीशा जैसा निकलता है, जिसको थोड़ा चोट लगाने से टूट जाता है। पारा भी उसी टाइप का निकलता है। तो बहुत सारा दोस्त ऐसा भी किया होगा, तो ये पारा नहीं है, ये सुहागा है बोल के फेंक भी दिया होगा। लेकिन वो सब माल है। आप लोग मेरा वीडियो को अगर ध्यान से सुनेगा तो वो सब से भी माल निकलेगा, वो सब आपका कामयाब है। लेकिन हम लोग का अधूरा जानकारी की वजह से हम लोग का जाया होता है। अब देखिए, वो फटक वाला जो माल निकला है आपका, उसको आप अगर ज़्यादा आग दिया है तो नाइट्रिक पास होगा, अगर ज़्यादा आग नहीं दिया है तो नाइट्रिक पास नहीं होगा। और नाइट्रिक पास का सामान भी देना होता है, कुछ कुछ सामान है जो नाइट्रिक पास करता है, वो अगर दिया है तो कम आग में भी कभी कभी नाइट्रिक पास हो जाता है। तो वो जो फटक माल निकला है उसका आप लोग नाइट्रिक में डाल के देखिए, रहता भी बैठता है। लेकिन जब फिर पिघलाएगा, फिर वो फटक हो जाएगा, आपका दिल टूट गया, हाँ, तो आप बोलेगा ये तो क्या है निकल गया, ये तो माल नहीं निकला, तो फेंक देता है आप लोग, उसको मत फेंकिए। मैं वही तरीका समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको क्या करिए, वो माल को, और एक बात, इसमें एक रिक्सी चीज़ है, वो आप लोग गलती से भी, कभी भी गलती से भी ये काम को मत करिए, नहीं तो आप अंधा भी हो सकता है। ये रिक्सी चीज़ है, मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। पारा को जब आप पिघलाएंगे तो वो काला रंग का निकलेगा, तो लिक्विड में होगा। जब थोड़ा सा ठंडा हुआ तो बहुत आदमी ऐसा करता है, चलिए पानी में डाल देगा, पानी में डाल के इसको छर्रा बना के नाइट्रिक करेगा, उसको जब आप गलती से भी पानी में जब डाल देगा तो विस्फोट हो जाएगा। उसको गलती से भी पानी में मत डालिए, ये कोई भी नहीं बताया होगा यूट्यूब में, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग तांबा को या चांदी को पिघला के छर्रा बनाने के लिए, नाइट्रिक करने से पहले छर्रा बनाना पड़ता है, छर्रा बनाने के लिए हम लोग जो पिघला के ही हम लोग पानी में डाल देता है, वैसे पारा का साथ में गलती से भी मत करिए, ये इस विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होकर आपका आँखों में लगेगा, आप अंधा हो जाएगा, वैसा मत करिए। और जब लिक्विड से जब जमना शुरू होगा तभी उसको चिमटी से पकड़ के ठंडा, हल्का हल्का जब ठंडा होगा तभी निकाल के पानी में डालिए, डायरेक्ट गर्म पूरा पिघलते हुए आप पानी में मत डाल दीजिए। तो इसका तरीका सुनिए, इससे भी आपका माल निकल जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको पिघलाइए, कोठाली थोड़ा ऊंचा टाइप का लेना है, बड़ा टाइप का कोठाली लेना है, नहीं तो सब माल आपका बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको पिघलाइए, पिघलाने के बाद में आप तीन चीज़ लेना है। आप लीजिए सुहागा, लीजिए बारीक पीस के रख दीजिए, सुहागा 9-7 भी बारीक पीस के रख दीजिए अलग अलग, फिर कलमी शोरा भी अलग करके रख दीजिए पीस के। उसके बाद क्या करिए, ये जो फटक पारा को आपने पिघलाया उसमें आप क्या करिए, सबसे पहले सुहागा डालिए, सुहागा डालने के बाद में चुटकी डालिए, जब पिघल गया, बढ़िया से पिघल गया, तब इसमें आप डालिए कलमी शोरा डालिए, देखिए आग लग जाएगा, आग लग के आपका सब माल जलना शुरू हो जाएगा। जलना शुरू होके
आपका कोठली से बाहर आ जाएगा, इसलिए कोठली बड़ा लेना है, बाहर आ जाएगा, तो इसलिए सावधानी से करिए, बाहर आने मत दीजिए क्योंकि कीमती चीज़ है। उसका बाद देखिए जब ये ठंडा हो जाए, इसका जलना बंद हो जाएगा, जलना बंद होने के बाद में थोड़ा सा स्वागत नौसादा डालिए इसका चमकाने के लिए, चमक आ जाएगा। उसका बाद उसको पूरा जमने मत दीजिए, पूरा जब लिक्विड मेटल बनना शुरू होगा, लिक्विड जब ख़त्म होगा तब ठोस होना शुरू होगा, तभी उसको चिमटी से पकड़ के निकाल लीजिए। निकाल के उसको चोट लगा के जो जो मेटल बना है उसका अलग करिए, अलग करने के बाद जो मेटल नहीं बना है, जो शीशा जैसा है, कांच का जैसा है, उसका फिर वही यही फॉर्मूला फिर करिए, कर करके आप पूरा माल को अलग कर लीजिए, आपका निकल जाएगा गोल्ड, प्योर गोल्ड निकल जाएगा। अगर आपका फॉर्मूला सही है तो प्योर निकल जाएगा, नहीं तो पारा का मेटल निकलेगा। आप उसको अगर आप फॉर्मूला पक्का फॉर्मूला आपने किया है तब तो गोल्ड का उसमें चला जाएगा, अगर पक्का फॉर्मूला नहीं है तो भी चांदी का उसमें चला जाएगा, आपका लॉस नहीं होगा। ये फॉर्मूला से आप लोग करिए, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा, हर फॉर्मूला से आपका माल निकल जाएगा। तो इसमें गलती आदमी लोग यही कर देता है, फोटक होने के बाद में फोटक दूर करने का फॉर्मूला नहीं जानता है। ये जो आज का मैंने वीडियो बनाया ये फोटक दूर करने का है, इससे आपका माल ज़रूर निकलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे पकड़िए हाफ किलो का व एक किलो का आग दिया है तो सब में नाइट्रिक नहीं निकलेगा, नाइट्रिक पास नहीं होगा, तो उसमें तो भी चांदी चांदी में तो बेच सकेगा। ऐसे करके आप लोग करिए, और जितना भी माल आप लोग फटक दूर किया है उसको पूरा को नाइट्रिक मत कर दीजिए, पहले थोड़ा सा एक दाना को लेके नाइट्रिक में डाल के देख लीजिए, मेरा नाइट्रिक पास है कि नहीं है। अगर नाइट्रिक पास हुआ रहता बैठ रहा है तब तो पूरा को आप नाइट्रिक कर सकता है, वरना मत करिए, नहीं तो फिर पारा का मेटल जमाने के लिए आपका लफड़ा हो जाएगा, पारा का फिर आप बनाने नहीं सकेगा। तो उसको ऐसा करिए, आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। धन्यवाद।